हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरे ऑफिस में आप सभी का स्वागत है। ऐसा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जा रहे हैं अब हम पूजा करने, नहाना धोना हो गया। चलते पहले फ्रिज में से दूध निकाल लेते, कल घर कच्चा दूध रखे थे, फिर उसके बाद पूजा कर लेते, फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो क्या है, थोड़ा सा दूध ले लें इसमें। गिरा भी दे, आप उसको रखो पहले। ये देखिए मेरी चाय भी बन के तैयार है, अब जा रहे हैं चाय पीने। खूब कड़क चाय बनी है आज। टेस्टी नहीं लगता है। ला तो इसमें लड़को टेस्टी नहीं लगता तो रखो। गुड बेटा, अब क्या बना रही हो? Thank you.
नैन्सी क्या कर रही है? क्या हो गया? हाँ? क्या कर दे? अच्छा सुई लगा देंगे। ठीक हो गया। हाँ बंदर मामा ठीक हो गया। आज तो यहाँ पे फिर गर्मी खूब शुरू हो गई है। फिर से गर्मी आज शुरू है यहाँ पे। धूप निकली है इस वजह से बहुत गर्मी हो गई। मेरी लड़की खाली रहती है तो दिन भर या तो मोबाइल लेके घूमती है या फिर कटोरी में नमकीन लेके घूमती है। एक घंटा बैठ के पढ़ेगी, 1-2 लिखेगी, ABCD लिखेगी, फिर अपना बुक पढ़ेगी, उसके बाद नहीं बैठ सकते दिन में दोबारा। अकेले मैनेज करना सब कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता है। नैन्सी को भी अकेले छोड़ नहीं सकते, पति देव नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं तो वो सो रहे हैं। नैन्सी को अकेले छोड़ देते हैं तो ये है, कहीं TV का प्लग ऑन करती है, ऑफ करती है, तो कहीं कुछ करने लगती है। तो बच्चे को बार बार डांटने से अच्छा कि उसका एक्स्ट्रा केयर कर ले। इसीलिए जो मेरा वीडियो होता है सुबह का शूट करते हैं, उसको दोपहर में जब नैन्सी सो जाती है तब दोपहर में एडिट करते हैं, फिर दोपहर के बाद का जो वीडियो होता है उसको शाम को रात में जब सोती है तब उसको एडिट करते हैं। अकेले बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना, बच्चा संभालना, पतिदेव को ड्यूटी भेजना, काम धाम करना, वीडियो शूट करना, फिर उसको एडिटिंग करके अपलोड करना, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ता है, क्या करें। जा रहे हैं, आज तो मेरा व्रत है, जा रहे हैं अमरूद खाने। पतिदेव को बहुत कहने पे अमरूद लाए हैं, ये अमरूद खाते नहीं है तो कहते हैं कि इससे सर्दी होता है, हम नहीं लाएंगे। बहुत ज़बरदस्ती किए थे तब जाके लाए हैं। हमें फल में सबसे ज़्यादा अच्छा अमरूद ही लगता है। हम अपने यहाँ मायके में 3-4 पेड़ अमरूद का लगाए थे, इस टाइम शायद 3 ही दिख रहा है। आ गई है। हम नहीं खाएंगे बेटा, हट तू। हम नहीं खाएंगे ना। नहीं नैन्सी, नैन्सी व्रत मम्मा का। मासी करती है, कह रहे ना व्रत नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे बेटा, आज मम्मा का व्रत नहीं खाएंगे मम्मा, ठीक। खा ली जा, एक तो नमकीन लेके आ रही दौड़ी दौड़ी खिलाने। ऐसे कौन खाता है, हैं? मुंह बंद करके खाते हैं। ये अपने से टीका लगाई थी, यहाँ सब ये सब पोती है पूरा। अरे हेलो गाइस नहीं बोलोगे? नैन्सा भाग गई। दाल डाल दिए, पक रही है। पतिदेव को फिर आज 20 शिफ्ट में जाना है। ये सब पता नहीं कैसा शेड्यूल बनाते हैं, ये नहीं कि पहले बी कर लें 2 दिन, फिर उसके बाद 3-4 दिन नाइट कर दें। तो एक दिन बी रहेगा, फिर 4 दिन नाइट रहेगा, फिर लास्ट वाले दिन बी रहेगा, फिर उसके बाद ऑफ रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। और क्या बोलेंगे? जब हम कैमरा बंद करते हैं तभी तुमको हेलो गाइस बोलना होता है। नैन्सी, नैन्सी कहाँ? हम बंद कर रहे हैं, फिर क्या? हम कैमरा बंद कर रहे हैं, मोबाइल बंद है। बोलो क्या बोलना था? बंद कर दीजिए मोबाइल। ठीक है बंद करिए। नहीं बंद करने आता नैन्सी को? ऐसे नहीं बदमाश। यहाँ आज मेरा व्रत है, यहाँ मैं आम का जूस बना ले रही हूँ, मैंगो शेक बना रहे हैं। कल पतिदेव गए थे बाहर तो आम लेके आए थे, तो सोच रहे उसी का बना लेते, 2 गिलास हो जाएगा, पी लेंगे उसी को। यहाँ मैं दोपहर का बर्तन धुल ले रही हूँ। पतिदेव भी खाना खा के ड्यूटी गए थे तो वो भी पचा था, पड़ा था बर्तन। नैन्सी भी खाई थी, वो था। फिर शाम को 3-1 बजे उठे, फिर उसके बाद दोपहर को मैं दाल चावल खाई है, वो कटोरी था, सब साथ ही में सोचे धुल लेते हैं।
यहाँ मैं पतिदेव के लिए खाना बना ले रहा हूँ। नैन्सी को भी खिलाएंगे। बस सिंपल आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, जीरे से छौंक के हल्का सा मसाला डाल के बनाएंगे। इसमें कुछ नहीं, धनिया, लहसुन, अदरक और प्याज कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। बस सिंपल सा इसमें जीरा का छौंक लगा के करी पत्ता डाल के बना रहे हैं। तो ये हल्का रहेगा तो नैन्सी भी इसको खा लेगी। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी भी लगती है पूड़ी उड़ी के साथ खाने में। सूखी सूखी इसी को बनाएंगे, बस रोटी से ही खाना होगा। चले गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके बताएगा मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।